इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल मऊ रोड सिधारी आजमगढ़। एडमिशन ओपन। कोरोना वायरस से जहां हर कोई परेशान नजर आ रहा है, तो वहीं वायरस से लोगों को बचाने के लिए फर्जी बाबाओं ने भी अपनी दुकान खोल दी है। ताजा मामला वाराणसी के लंका के सामने घाट क्षेत्र का है, जहां पर कोरोना वायरस को मंत्रों से सही करने वाला एक फर्जी बाबा को गिरफ्तार किया गया। वाराणसी के सामने घाट क्षेत्र में अपने को ज्योतिषाचार्य बताने वाले संजय तिवारी पर्चा बांटकर मंत्रोच्चारण से कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों को ठीक करने का दावा कर रहा था। तभी इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार कर मामले की जांच कर रही है। है ये जो ज्योतिषाचार्य पकड़े गए हैं संजय तिवारी, क्या प्रकरण में पकड़े गए? प्रकरण संज्ञान में आया है। संजय तिवारी हैं सत्यम नगर के, जो अपने ज्योतिष विद होने में दावा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि मंत्र वगैरह से कोरोना का उपचार कर सकते हैं, यदि कोई कोरोना का मरीज उसको ठीक कर देंगे। इस संबंध कुछ व्हाट्सएप पर मैसेज चल रहे हैं, अभी जानकारी मिली कि उन्होंने कुछ पर्चे भी बटवाए हैं शहर में। इस संबंध से पूछताछ हो रही है और जांच उपरांत के खिलाफ विधि कार्रवाई पुलिस कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, ये जो पर्चा बटा है, ये पर्चा जिसने छपवाया है, क्या उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? क्योंकि इस समय इस तरह की अफवाह फैलाना या इस तरह की चीज़ों को प्रिंट करना, ये दोनों अपराध की श्रेणी में। बिल्कुल, पूरे प्रकरण की जांच होगी। यदि वो प्रिंटर का उनका मुद्रा का कोई दोष पाया जा रहा है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। किन धाराओं में इनकी गिरफ्तारी या इनके खिलाफ जांच उपरांत निश्चित किया जाएगा। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।